खबर कोटद्वार से। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूडी भूषण ने कोटद्वार निम्बू चौड़ स्थित अपने आवास पर पौड़ी जिलाधिकारी सहित सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ कोटद्वार हो रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से मालन नदी पर ह्यूम पाइप की मदद से बन रहे पुल के प्रगति कार्य की जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि मालन नदी पर 24 से अधिक ह्यूम पाइप अभी तक डाल दिए गए। निर्माण कार्य दिन रात युद्ध स्तर पर चल रहा, उन्होंने जल्द ही कार्य को पूर्ण करने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार वासियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग को निश्चित समय अवधि पर पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में अधिकारियों को कोटद्वार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। खबर भारत वर्ष के लिए कोटद्वार उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।